दर्द का रिश्ता होता है। मैंने जिस कन्या को मारने के लिए तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे, वो कन्या अब तक जीवित है। माता जी को हर बात बताना जरूरी है क्या? हम लोग ये लड़ाई लड़ तो रहे हैं ना, और इस बात का मतलब समझती हो तुम? ठीक है, आप जाना चाहते हैं ना, पहले आप मुझे जहर ला कर दीजिए, पहले आप मुझे जहर दीजिए, फिर जो करना है आपको करिए, आप जो करना है करिए। अरे पर... जब तक तुम दिल्ली में हो, तुम यहीं इसी घर में रहोगे हमारे साथ, ठीक है? क्या सोचने लगी? कुछ नहीं आंटी जी। देखो चंदन, तुम यहाँ रिश्ता निभाने आए हो, हमें भी तो रिश्ता निभाने दो। ना जाने कितने अपनेपन और विश्वास के साथ तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यहाँ भेजा है। अब क्या उन्हें ये अच्छा लगेगा कि तुम अपनी बहन का घर होते हुए किसी लॉज में रुको? हाँ चंदन, अब तुम यहीं रहोगे। सरस्वती जी, इसे अंदर ले जाओ और इसे कमरा दिखा दो। चल। ठीक है, जाओ। चलो, कुछ सोचो मत, आ जाओ। माता जी। खुश रहो बेटा। क्या बात है माता जी, आप बड़ी थकी थकी सी लग रही हैं। लगता है रात भर सोई नहीं आप। हाँ बेटा, रात भर नींद नहीं आई, मन में भी बहुत धक धक हो रही थी, बहुत बेचैनी थी, सोई नहीं पाई। कोई बात नहीं, आप अब आराम कर लीजिए। भावना आपके लिए नाश्ता लेकर आ रही है, आप नाश्ता करके सो जाइए। अरे बेटा, सुबह सवेरे अब क्या सोऊंगी? बस तुम दुकान जा रहे हो? जी माता जी। अच्छा बेटा, अगर हो सके तो श्रवण से बात कर लेना। सुनील से उसका संपर्क हुआ कोई? कल मैंने चंदन से बात की थी माता जी। चंदन और श्रवण दोनों दिल्ली गए हुए हैं और सुनील को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सुनील का फोन बार बार बंद ही आ रहा है। अच्छा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए माता जी, इतना तो पता लग गया है कि सुनील दिल्ली में है। अब श्रवण और चंदन उसका पता लगा ही लेंगे। अगर पता चल जाए तो मुझे भी बता देना। जी माता जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनील को शक हो गया है कि श्रवण उससे क्यों मिलना चाहता है? कुछ कह नहीं सकते माता जी, हो सकता है बांकेलाल को श्रवण पर शक हो गया हो और इसलिए उसने सुनील को हटा दिया। माता जी, आप नाश्ता करके थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं जरा दुकान से उतरा दूं। न जाने दिल्ली में सब कैसे होंगे। तुम्हें पता है सरस्वती, वैभव के पापा कालरा की बात मानकर पुलिस स्टेशन जा रहे थे, मैंने उन्हें रोक लिया। अब तुम ही बताओ मैं उन्हें इस बात की इजाजत कैसे दे सकती हूँ। हाँ दीदी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। माँ जी, पापा जी को कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। अगर समझौता करना ही है तो वो मैं करूंगी। तुम क्या समझौता करोगी? कैसा समझौता? और तुम्हारे समझौता करने से क्या होगा? मुझे भी वैभव की रिहाई के लिए एक रास्ता नजर आया है चाची जी।
और वैभव की रिहाई के लिए मैं कुछ भी करूंगी। किस रास्ते की बात कर रही हो तुम सुरभि? कौन से समझौते की बात कर रही हो? वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी माँ जी, लेकिन आप पापा जी को ऐसा कोई समझौता मत करने दीजिएगा। अब इसको देखो, ये क्या कहकर चली गई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। ये किस समझौते की बात कर रही है, क्या करने वाली है मुझे कुछ पता नहीं। सुबह घर से निकलते वक्त चंदन भी यही कह रहा था कि एक तरफ सुरभि समझौता करना चाहती है तो दूसरी तरफ भाई साहब, लेकिन चंदन कह रहा था कि वो किसी को भी समझौता करने नहीं देगा। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? और सुरभि को ऐसा कौन सा रास्ता नजर आ गया? अब हो सकता है शायद चंदन ने कोई रास्ता बताया हो या कोई और बात हो। अगर मेरे त्याग से इस घर की खुशियां बच सकती हैं, कि घर बच सकता है तो वो भी मेरा सौभाग्य होगा। मुझे इस घर की बहू होने का फर्ज निभाना है। अगर इसी तरह ये फर्ज निभाया जा सकता है तो मैं जरूर निभाऊंगी। हेलो, हेलो प्रिया। हाँ सुरभि, कैसे हो? जो हालात है वो तुम देख ही रही हो, और मेरे हालात तो और भी बिगड़ गए। ये क्या कह रही हो तुम? किसी के भी घर पे ऐसी मुसीबत आती है तो सब लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, और तुम्हारे साथ अभी भी वही व्यवहार हो रहा है? नहीं प्रिया, बात ऐसी नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। यहाँ सब लोग मुझे बहुत मानते हैं, यहाँ पे सबके लिए सिर्फ मैं ही हूँ, किसी के प्यार में कोई कमी नहीं है और ना ही कोई दिखावा कर रहा है। तो फिर बात क्या है? वैभव को कानून का मारा बनाकर अब उस पर चाल ही चलने की शुरुआत की गई है। एक तरफ कालरा पापा जी को इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि वो ये जुर्म अपने सिर पर ले ले और खुद को कानून के हवाले कर दे। नहीं सुरभि, किसी के भी मजबूर करने पर तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है। सुना अपने पापा, कालरा अमरनाथ अंकल को कानून के जाल में फंसाना चाहता है। हाँ, सुना तो था। और अब शिखा मुझे मजबूर करना चाहती, और मैं हूँ मजबूर कि अपने अधिकार और अपने स्वार्थ के लिए मैं इस घर को बिखरने नहीं दे सकती। ये क्या कह रही हो तुम? शिखा तुम्हें किस बात के लिए मजबूर कर रही है? शिखा ये बात अच्छी तरह से जानती है कि जब तक मैं वैभव को तलाक नहीं देती थी, वो वैभव से कभी शादी नहीं कर पाएगी, और इसी बात का फायदा शिखा उठाना चाहती है, और वो तो किसी भी तरह वैभव को मुझसे छीनना चाहती है। हाँ तो? और अब उसे लगता है कि वो मुझे झुका सकती है, मुझे मजबूर कर सकती है, इसलिए उसने मेरे सामने ये शर्त रखी है कि मुझे वैभव को तलाक देना होगा। पहले मैं तलाकनामे पर साइन करूंगी, उसी के बाद वो वैभव को बचाने वाला बयान देगी। तो तुमने क्या सोचा है? तुमने सोच लिया है कि तुम वैभव को तलाक दोगी? हाँ प्रिया, वैभव को बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। ये बात घर में किसी को नहीं बताई, लेकिन मैंने ये सोच लिया है अगर मेरे तलाक देने से
वैभव बच सकते हैं तो मैं ये तलाक जरूर दूंगी। नहीं सुरभि बेटी, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जी जी नमस्ते। खुश रहो बेटा, और मैं सिर्फ आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी के भी बहकावे में आकर तुम जो गलती करने की सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन मैं सुरभि बेटी, मैं इंस्पेक्टर से बात करता हूँ, आखिर सच्चाई कब तक छुपी रहेगी? और सच्चाई को सामने लाना तो वह इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है ना। मैं देखता हूँ बेटा मैं क्या कर सकता हूँ। जी नमस्ते। खुश रहो बेटा। ये तो बहुत गलत बात है ना पापा, एक तरफ कालराव अमरनाथ अंकल को मजबूर कर रहा है और दूसरी ओर शिखा मजबूर कर रही है सुरभि को तलाक के लिए। इस सारे खेल के पीछे बांकेलाल का हाथ है। अगर कानून का हाथ उसके गले तक पहुंच जाए ना, सारा मामला साफ हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा बेटा। लेकिन इसके लिए क्या करें कि इंस्पेक्टर ने वैभव को ही मुजरिम मान रखा है। पापा सुरभि बहुत घबराई हुई है, हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। तुम एक काम करो प्रिया, अपने एनजीओ फोन करो और वहां से इंस्पेक्टर को फोन करो और कहना सिर्फ ये है कि इंस्पेक्टर इस मामले की सच्चाई को जानने की कोशिश करे और इस पूरे मामले की पूरी गहराई से छानबीन करे। बस ये बात तो अभी हो जाएगी पापा, लेकिन उसके बाद मैं खुद इंस्पेक्टर से मिलने जा रहा हूँ और मैं बताऊंगा इंस्पेक्टर को कि इन सारी साजिशों के पीछे किसका हाथ है। इंस्पेक्टर को सिर्फ इस बात के लिए कन्विंस करना है कि वो इस मामले की गहराई से छानबीन तो करे। ठीक है पापा, मैं अभी इंस्पेक्टर के एनजीओ से बात करवाती हूँ। ठीक है बेटा। हेलो, ये क्या कह रही हो तुम श्रावणी? सुरभि वाला कौन सा समझौता करना चाहती है? मुझे नहीं पता वो क्या समझौता करना चाहती है, लेकिन उसने मुझसे यही कहा कि आपको कोई भी समझौता करने की जरूरत नहीं है। श्रावणी वो इस घर की बहू है, उसके समझौता करने से कुछ नहीं होगा। ये कोई घरेलू मामला नहीं है। कालरा और बांकेलाल मुझे अपना दुश्मन समझते हैं और मुझसे बदला लेने के लिए मुझे जेल भेजना चाहते हैं, और अपने बेटे को बचाने के लिए मैं मजबूर हूँ कि मुझे उनकी शर्त माननी पड़ेगी। सुरभि तो वैभव को बचाने के लिए ही समझौता करने की बात कर रही है। ये कुछ नहीं, एक बेवकूफाना सोच है और कुछ नहीं। एक तरफ हमारा बेटा कानून के जाल में फंसा हुआ, अब क्या ये खुद अपने आप को कानून के जाल में फंसाना चाहती है? क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है कि वैभव का जुर्म अपने सर पर ले लेगी, ये सोच रही है? मुझे नहीं मालूम सुरभि क्या सोच रही है। मुझे इतना पता है कि ना वो वैभव को जेल में देखना चाहती है और ना ही आपको जेल में देखना चाहती है। तुम एक काम करो, उसे बुलाओ, मैं बात करता हूं। जी गुप्ता जी। नमस्कार अमरनाथ जी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ठोकरों के बीच अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हूं गुप्ता जी, और तो कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। हमें मजबूर करने के लिए कालरा शिखा को बयान देने नहीं दे रहा। अमरनाथ जी, सवाल ये उठता है कि पुलिस शिखा का बयान क्यों नहीं ले रही है? जाहिर सी बात है गुप्ता जी, हर बात सबूतों पर आधारित होती है। अब उन लोगों ने साबित किया होगा कि शिखा बयान देने की हालत में नहीं है। हम लाख कोशिश करें और कहें कि इसके पीछे कालरा की चाल है, इंस्पेक्टर नहीं मानेगा। तुम क्या सोचती हो सुरभि, कि मेरे बदले वो जुर्म तुम वहां जाकर अपने सर पे ले लोगी और वैभव छूट जाएगा? दर्द का रिश्ता होता है।
हम लाख कोशिश करें और कहें कि इसके पीछे कालरा की चाल है, इंस्पेक्टर नहीं मानेगा क्योंकि वो कानून से बंधा हुआ है। अमरनाथ जी, आपने कभी इंस्पेक्टर को बताया कि इस सारे खेल के पीछे किसका हाथ है? गुप्ता जी, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, इंस्पेक्टर और कानून बिना सबूतों के हमारी बात नहीं सुनने वाला। अमरनाथ जी, फिर भी हमें इंस्पेक्टर को ये बताना चाहिए कि इन सारी साजिशों के पीछे बांकेलाल का हाथ है, इससे उसको छानबीन में थोड़ी सहूलियत होगी। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अमरनाथ जी, मैंने प्रिया को एनजीओ ऑफिस भेजा है, वहाँ से भी इंस्पेक्टर को ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो इस मामले की सच्चाई को जानने की कोशिश करे, और मैं भी इंस्पेक्टर को मिलने जा रहा हूँ, मैं भी उनको बताऊँगा कि इस सारी साजिशों के पीछे बांकेलाल का हाथ है। ठीक है गुप्ता जी, शायद इंस्पेक्टर आपकी बात मान ले। नमस्कार। नमस्कार। एक बात बताओ सर भी, तुम इन लोगों से कैसा समझौता करना चाहती थी? जी, वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा पापा जी। तुम क्या सोचती हो सर भी, कि मेरे बदले वो जुर्म तुम वहां जाकर अपने सर पे ले लोगी और वैभव छूट जाएगा? देखो सर भी, ऐसी बेवकूफाना हरकत बिल्कुल मत करना, समझी तुम? हाँ सुरभि, इससे समस्या का हल नहीं होगा बल्कि बात और उलझ जाएगी। तुम्हें किसने ये सलाह दी है कि तुम्हारे कोई समझौता करने से वैभव जेल जाने से बच जाएगा? देखो सुरभि, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, सुन लो, ऐसी कोई गलती मत करना। हम तो वैभव के लिए पछता रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए भी पछताना पड़े। ऐसा कोई समझौता मत करना तुम, समझ गए? शाम में वो गुप्ता जी का फोन आया था, वो इंस्पेक्टर से बात करने जा रहे हैं। नमस्कार इंस्पेक्टर। नमस्कार गुप्ता जी, आइए बैठिए। भाई आपकी वो एनजीओ की तरफ से फोन आया है। ताजी, मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वैभव की केस में कुछ खामी रह गई। दरअसल मुझे उसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी थी। बोलिए गुप्ता जी। इंस्पेक्टर साहब, इस मामले में सबसे बड़ी खामी तो यह है कि अभी तक शिखा का बयान नहीं हुआ है। क्या शिखा इतनी बीमार है कि वो सिर्फ इतना बयान नहीं दे सकती कि गोली वैभव ने चलाई है या किसी और ने? आपकी बात बिल्कुल सही है गुप्ता जी, लेकिन मैं खुद शिखा का बयान लेने गया था और वो सर दर्द से बहुत तड़प रही थी, वो बयान नहीं दे सकी। तो आपका ये मानना है कि शिखा पर गोली वैभव ने चलाई है? हाँ हाँ, सबूत तो बिल्कुल यही कहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने भी आपसे कहा था और अमरनाथ जी ने भी आपसे ये कहा था कि आप शिखा का बयान लीजिए। वैभव ने भी आपसे बार बार कहा कि आप शिखा का बयान लीजिए, लेकिन आपने बयान नहीं लिया। कहा था, बिल्कुल कहा था,
लेकिन वो बयान देने की हालत में नहीं है तो कोई क्या करे। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वैभव ने गोली चलाई होती तो वो बार बार ये बात क्यों कहता कि आप शिखा का बयान लीजिए। उसे तो इस बात का डर होना चाहिए ना कि अगर आपने शिखा का बयान लिया तो वो और बुरी तरफ फंस जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, वैभव के बार बार कहने का मतलब ये था कि अगर शिखा का बयान हो जाता तो सारी सच्चाई सामने आ जाती और उसे ये तो नहीं पता था कि अचानक शिखा के सिर में दर्द शुरू हो जाएगा और वो बयान नहीं दे पाएगी। ये क्या कह रहे हैं गुप्ता जी आप? कौन है इस साजिश के पीछे? इस साजिश के पीछे बांकेलाल का हाथ है। दर्द का रिश्ता होता है। और उसे ये तो नहीं पता था कि अचानक शिखा के सिर में दर्द शुरू हो जाएगा और वो बयान नहीं दे पाएगी। कम से कम ये तो वैभव को पता नहीं था ना। गुप्ता जी, आप कहना क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर साहब, अगर आप इन तथ्यों पर गौर से ध्यान देंगे तो आपको इस बात का जरूर एहसास होगा कि शिखा के बयान को दबाया जा रहा है। पता नहीं सच क्या है, लेकिन डॉक्टर की परमिशन के बगैर मैं शिखा का बयान नहीं रह सकता। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो केवल ये कहने आया हूं कि आप किसी भी तरह सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। शिखा को मारकर वैभव को फंसाने की साजिश की जा रही है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सच मानिए और ये साजिश जिसने भी रची है अब तक पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई है। ये क्या कह रहे हैं गुप्ता जी आप? कौन है इस साजिश के पीछे? इस साजिश के पीछे बांकेलाल का हाथ है, जो कि अमरनाथ का चचेरा भाई है और आज उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। मिले तो आप भी होंगे, तो जिस दिन शिखा को गोली लगी थी उस रात कालरा के घर में उस हॉल में बांकेलाल भी मौजूद था। हाँ, मैंने डॉक्टर को मना तो लिया है, उसे डिस्चार्ज करने के लिए तैयार हो गए हैं और आज मैं शिखा को घर ले जा रहा हूँ। हाँ, पर अगर पुलिस घर पर बयान लेने आ गई तो क्या करेंगे आप? उसका भी कोई ना कोई उपाय तो निकालेंगे। हाँ बबन नैना, अगर एक बार शिखा पिटिया अपने घर आ गई तो पुलिस से ये भी कहा जा सकता है कि उसकी तबीयत सुधारने के लिए उसे कहीं बाहर भेज दिया है। अरे भाई, 10-15 दिन लगेंगे। एक बार शिखा बिटिया अपने घर पहुंच गई ना, जो पूरे का पूरा मामला अपनी मुट्ठी में होगा अपने हिसाब से। क्यों कर रहे साहब? एक बात और बतानी थी आपको। शिखा ने हॉस्पिटल से सुरभि से बात की। उसने ये शर्त रखी है कि तुम्हारी रिहाई सिर्फ एक ही शर्त में होगी, कि तुम्हारे पापा को कानून के सामने जाकर ये स्वीकार करना होगा कि शिखा के ऊपर गोली उन्होंने चलाई थी। तब से बेचारी सबका इंतजार ही तो कर रही है, कभी घर वालों का प्यार पाने का इंतजार, कभी अपने अधिकार के लिए इंतजार। ऐसा किसी भी तरह हमें इस साजिश का पर्दाफाश करना ही होगा। दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मुझे तो एक रास्ता और नजर आ रहा है भाई साहब।